बलूचिस्तान आंदोलन का बड़ा चेहरा रही करीमा बलूच का शव कनाडा में मिला है। बता दें कि वह 2016 में अपने कुछ दोस्तों की मदद से पाकिस्तान से भागकर कनाडा पहुंच गई थी। इसके अलावा वह सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए बलूचिस्तान के मुद्दों पर बात करती थी और अब उनका शव कनाडा के हार्बर फ्रंट में झील के किनारे मिला है। उनके पति हमाल हैदर और उनके भाई ने शव की पहचान कर ली है। फिलहाल उनका शव पुलिस की कस्टडी में है। बता दें कि करीमा बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी और वो इसे लेकर कई बार भारत से मदद की गुहार लगा चुकी थी। इसके अलावा साल 2016 में रक्षाबंधन पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक वीडियो मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनगिनत भाई लापता है। बलूचिस्तान में बहनें अब भी अपने भाई के वापस आने का इंतजार कर रही हैं। ये भी हो सकता है कि वह कभी भी वापस ना आए और बहनें हमेशा ही इंतजार करती रहें। मैं आपसे एक भाई के तौर पर अपील करती हूं कि आप बलूचिस्तान में चल रहे नरसंहार और वॉर क्राइम को दुनिया के फोरम पर उठाएं। हम यह लड़ाई तो खुद ही लड़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे संघर्ष की आवाज बने। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आपका आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। और मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने ज़ुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूँगी। जे तमें हमारा बलूचिस्तान नवास्ते करूचे एनो गनो गनो अभिमान मिनतवार। फिलहाल करीमा की मृत्यु के बाद करीमा की तरह ही पाकिस्तान से भागकर कनाडा में शरण लेने वाले जर्नलिस्ट तारिक फतेह का कहना है करीमा की मौत के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ है। इस मामले में उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि टोरंटो पुलिस और कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी CSIS को करीमा की मौत में पाकिस्तानी हाथ की जाँच जरूर करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कनाडा को पाकिस्तान के ISI के एजेंट से मुक्त कराना चाहिए। अब इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या करीमा बलोच की मौत के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फिलहाल इस मामले में हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर को। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।